हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई फिल्म पावन खिंड को लेकर, जो कि कहने को एक मराठी फिल्म है। लेकिन मराठी फिल्म होने के बावजूद जिसका कलेक्शन आ रहा है वो काफ़ी दमदार है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो, जो कि बेस्ड है भारत के वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज पर। ऐसे में बात करें फिल्म को लेकर, तो फिल्म का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है वर्ल्ड वाइड। जी हाँ, अब बात करें फिल्म को लेकर, तो इस फिल्म को रिलीज़ हुए आज 12 दिन चल रहा है, तो बस जानेंगे कि फिल्म आज क्या कलेक्शन कर सकती है और पीछे बीते कुछ 11 दिनों में क्या कलेक्शन कर चुकी है। तो लीडिंग की बात की जाए तो लीडिंग में नज़र आ रहे हैं अजय पुरकार, अंकित मोहन और चिन्मय मंडेलकर। वहीं डायरेक्शन दिया उसको दिग्पाल लंजेकर ने, और जिसका बजट निकल के आया है वो है महज 10 करोड़ रुपये, जो कि इस फिल्म ने बहुत पहले रिकवर कर लिया था। और जो इसको वर्डिक्ट मिल रहा है अभी हाल फिलहाल वो है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का। बिल्कुल सही सुन रहे हो। और कलेक्शन की बात आती है तो मंडे होने के बावजूद कलेक्शन में थोड़ा सा ड्रॉप आया, पर आपको बता दूँ इतना कलेक्शन ये फिल्म स्टार्टिंग में भी नहीं कर रही थी जितना अब करने लगी है, जस्ट बिकॉज इसकी रेटिंग जो है वो है 9.9, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था। जैसे जैसे इस फिल्म की खबर फैल रही है और ये लोगों तक पहुंच रही है ये बात, लोग इसको देखना चाह रहे हैं कि आखिरकार इसमें ऐसी बात क्या है कि 9.9 की रेटिंग इसको मिल चुकी है। अब कलेक्शन आ रहा है इसका 1.25 करोड़ रुपये का, कब, मंडे को, यानी कि अपने 11वें दिन। और वहीं आपको बता दूँ इसी के साथ जो कलेक्शन हो चुका है फिल्म का ऑल ओवर वो चुका है तकरीबन 16.5 करोड़ प्लस इंडिया नेट से। वहीं इंडिया ग्रॉस से जो कलेक्शन आया फिल्म का वो चुका है तकरीबन 19 से 20 करोड़ रुपये, और तकरीबन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से इस फिल्म का अभी तक का कलेक्शन हो चुका है 11 दिनों के अंदर अंदर 22 करोड़ प्लस। और ये फिल्म आज भी 12वें दिन भी 1 करोड़ प्लस कमाई कर सकती है। क्या अपडेट रहेगी वो मैं आपको जल्द 3-4 घंटे में अपडेट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।